नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। इस बार दो टॉपिक्स पर बात होगी। पहले तो इंडिया चाइना के बीच जो डीएस्केलेशन हुआ उस पर, और फिर दूसरा एक अपडेट लेंगे कोरोना वायरस की सिचुएशन पर। तो सबसे पहले बात इंडिया चाइना की बॉर्डर की। अब यूजुअली अगर हम बॉर्डर के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में जो तस्वीर बनती है वो कुछ ऐसी होती है कि एक तरफ एक आर्मी है, वो पेट्रोल कर रही है या कह लें कि गश्त लगा रही है, या हिंदी में उसे कहेंगे कि पहरा दे रही है। तो एक तरफ एक आर्मी पहरा दे रही है, दूसरी तरफ दूसरी आर्मी पहरा दे रही है, और बीच में एक फेंसिंग लगी हुई है, बड़े बड़े बार्ब वायर्स लगे हुए। ऐसा हम सोचते हैं जब हम किसी भी बॉर्डर के बारे में जहन में अगर हम सोचें तो। लेकिन हर बॉर्डर ऐसी होती नहीं है। एक्चुअली दुनिया भर के देशों में जितनी भी बॉर्डर्स हैं उनमें से बहुत कम एक्चुअल इंटरनेशनल बॉर्डर्स इस तरह की होती हैं जो हम सोचते हैं। तो ना तो देशों की आर्मीज लगातार पहरा दे रही होती हैं और ना ही बीच में कोई फेंसिंग होती है। ओपन लैंड भी हो सकता है, और ऐसा ही कुछ इंडिया चाइना के बीच में भी है। तो फिर डिसाइड कैसे होगा कि किसकी जमीन कहां तक है और किसकी जमीन कहां से शुरू होती है, ये सब मैं छोड़ता हूं अभिषेक पर। तो अभिषेक आप बताइए। जी हाँ साहब, ने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो बॉर्डर होती है, जैसे हमारी एक इमेज है कि सबने मूवी में देखा होगा या किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा, कहीं कहीं भी टीवी में देखा होगा, तो उसमें ये है कि आपने देखा कि एक फेंसिंग है और दोनों तरफ आर्मी है, तो ये एक बॉर्डर डिफाइन हो गई है। हमारे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर भी ऐसी ही है कि या तो फेंसिंग की हुई है, यहाँ पे पाकिस्तान की फेंसिंग, यहाँ पे इंडिया की फेंसिंग, और बीच में नो मैंस लैंड। फेंसिंग के तरफ इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्स है वो उधर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स, और या तो पिलर गड़े रहते हैं, अगर फेंसिंग नहीं है इंडिया बॉर्डर की, जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है उसमें कई एरिया में फेंसिंग हो गई है, या तो एक पिलर गड़ा रहेगा, तो उस पिलर के एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ इंडिया, और कई जगह चौकियाँ रहती है, यहाँ पे इंडिया की चौकी है, उधर पाकिस्तान की चौकी है, और बीच में नो मैंस लैंड, यानी कि वो ज़मीन ना भारत की है ना पाकिस्तान की है। बट इंडिया और जो चाइना है वहाँ पे से जो क्लियर है, एक मार्क डीमार्केशन नहीं, मार्क यानी बॉर्डर मार्क की भी नहीं है कि ये इंडिया है या चाइना है। तो इसका रीज़न क्या है? एक तो ये कि जब इंडिया और चाइना की बॉर्डर जब डिसाइड हो रही थी तो 1914 में ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और रिपब्लिक चाइना, ये साथ में शिमला में मिले थे और उनकी बातचीत हुई थी कि हम बॉर्डर मार्क कैसे करेंगे, यानी कौन सा रीज़न होगा कि बॉर्डर में आएगा, ये साइड इंडिया है, ये तिब्बत है या ये चाइना है। बट उस बातचीत में बीच में चाइना अलग हो गया था, और फाइनली 1914 में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत ने उस जो बॉर्डर एग्रीमेंट था उस पर साइन किया था, उसमें वो एग्री हुए थे कि ये हमारी बॉर्डर है। बट चाइना उसको मानने से मना करता है, क्योंकि चाइना का हमेशा से क्लेम रहा था, अभी तो तिब्बत पर चाइना की कब्जा है, उस समय भी उसका यही क्लेम था कि तिब्बत हमारा पार्ट है, तिब्बत एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, ये ऑटोनोमस कंट्री नहीं है कि वो एक कोई दो दूसरी कंट्री के साथ एक कुछ ट्रीटी साइन कर सके, तो हम ये बॉर्डर नहीं मानते। तो जो हम बॉर्डर मानते हैं, जो हमारे हिसाब से हम जो ब्रिटिश इंडिया के समय जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, वही हम बॉर्डर अभी भी हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारी बॉर्डर है, यहाँ तक हमारी सीमा है, यहाँ तक भारत है, उसके आगे चाइना है, बट चाइना नहीं मानता ये। तो उस समय जो ये जो बॉर्डर बनी थी, तो जिस एक जो ब्रिटिश ऑफिसर थे हेनरी मैकमोहन, उन्होंने पूरी मार्किंग की थी मैप पे कि ये इंडिया से लेकर इंडिया और चाइना की बॉर्डर ये रहेगी, तो उन्हीं के नाम पे इंडिया चाइना की बॉर्डर को मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है। आपने सुना होगा अभी जब ये पूरा डिबेट आ रहा था, हम कभी भी इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है उसके लिए इंटरनेशनल बॉर्डर यूज़ नहीं करते, हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लाइन हम इंटरनेशनल बॉर्डर इसलिए नहीं बोलते कि दोनों कंट्री इंडिया और चाइना एग्री नहीं करते, हम तो एग्री करते हैं और चाइना बेसिकली एग्री नहीं करता कि बॉर्डर है। तो ठीक है, जब 1962 में वॉर हुई थी तो उसके बाद जो हमारी इंडिया चाइना के बाद बातचीत हुई थी, तो उसमें ये कहा गया था कि जब तक हम फाइनल एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाते कि बॉर्डर एक्चुअली है क्या इंडिया चाइना की, तब तक एट प्रेजेंट जहाँ पे हमारी आर्मी है हम उसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो तब से लेकर अभी तक ये नेगोशिएशन बॉर्डर का चल ही रहा है। जो कि इंडिया और चाइना की आप जो बॉर्डर देखें तो पूरा एक हिमालयन रेंज है, फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश, पूरी एक पहाड़ी एरिया है। तो कई बॉर्डर की जो मार्किंग है या कई इतने हाई एटीट्यूड पे या ऐसे टफ टेरिटरीज में कि वहाँ पे आर्मी की प्रेजेंस होना भी मुश्किल है।
बेसिकली जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स पे, ITBP जिसको बोलते हैं, और पीछे से उसको आर्मी सपोर्ट करती है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि आपको इंडिया हुआ या पाकिस्तान हुआ, तो उसमें दोनों के बीच में चौकियाँ रहती है, बट इंडिया और चाइना के बीच में चौकी नहीं है, क्योंकि जैसे बताया कि तो टेरिटरीज है, कई डिफरेंट टेरिटरीज है, कई डिफिकल्ट टेरिटरीज है, वहाँ पर जाना भी मुश्किल है, या वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है या इतनी हाई एटीट्यूड रहता है कि आप ज़्यादा देर वहाँ पर रह नहीं सकते। तो अब हम कैसे हमें बॉर्डर सिक्योर करें, तो इंडिया ने क्या किया कि पेट्रोलिंग पॉइंट बनाए, जो PPP कहा जाता है, ने अलग अलग पॉइंट्स बनाए, हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज वहाँ तक जाती है, पेट्रोल करती है और देखती है कि किसी ने वहाँ पे घुसपैठ तो नहीं की है, और सामने वालों को यही बता सके कि हम, ये हमारी ज़मीन है, ये हम इंडिया का पार्ट है, हम यहाँ तक पेट्रोल करते हैं। तो ऐसे पूरे आप LAC पे देखेंगे तो अलग अलग LAC पे पेट्रोलिंग पॉइंट है, उनका नंबर दिया है PPP 1, PPP 2, PPP 3, और इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे जो पेट्रोलिंग की फ्रिक्वेंसी है, या तो आप कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे तो रेगुलर पेट्रोलिंग होती है, यानी महीने में एक या दो बार, और कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे साल में एक ही बार पेट्रोलिंग कर पाते हैं, क्योंकि वो टेरिटरीज ऐसी जगह है कि वहाँ पे आप विंटर में तो जा ही नहीं सकते, समर में भी जाते हो तो आप एक या दो बार जा पाते हैं और पेट्रोलिंग करते हैं। अब जब पेट्रोलिंग करते हैं तो वहाँ पे कोई सब मार्क नहीं है कि ये यहाँ तक हमें पेट्रोलिंग करना है, वो मैप पे पॉइंट किया हुआ है, बट फिजिकली आप देखें ग्राउंड पे जाए ये जाए तो कई पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे कि जहाँ पे आप ये नहीं बोल पाएंगे कि इंडिया या पाकिस्तान है। तो जब भी इंडिया की जो भी सिक्योरिटी फोर्स जाती है पेट्रोलिंग करने, तो अपने पीछे वो या तो इंडियन में खाने के जो टीन के पैकेट होते हैं, जो खाने के पैकेट है वो, या सिगरेट के पैकेट वहाँ पे छोड़ के आते हैं वो इंडियन में, ताकि चाइना के सोल्जर्स को पता पड़े कि ये इंडियन टेरिटरी से, यहाँ पे इंडियन के सोल्जर पेट्रोलिंग करते हैं, वैसे चाइना वाले भी करते हैं। जब भी चाइना की पेट्रोलिंग पार्टी आती है वो अपने पीछे कुछ ना कुछ चाइना का सामान, चाइनीज मेक सामान छोड़ के जाएगी, ताकि इंडिया के सोल्जर को पता पड़े कि ये चाइनीज़ की टेरिटरी है या ये इंडिया की टेरिटरी, यहाँ तक हम पेट्रोल करते हैं। तो वो ये जो सब पेट्रोलिंग पॉइंट है, कुछ अधिकतर पेट्रोलिंग पॉइंट तो बिल्कुल LAC पे, जो हम LAC मानते हैं इंडिया कि हमारी बॉर्डर है वहाँ तक है, बट कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे है कि जो LAC से दूर है, यानी LAC तक आप जा ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल पेट्रोलिंग पॉइंट 11.8, 12 एंड 13, जो कि राखी नारा एंड जीवा नाला, एक जो कि ये पूरा हिली एरिया है, तो कोई नाले बहते हैं, तो उन नालों के पहले ही है, वो नाले भी कैसे रहते हैं कि ये नाले हर मौसम में अपनी जो बहने की जो उनका पाथ है वो चेंज करते रहते हैं, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलते हैं या जब बारिश होती है तो उससे ये नाले बनते, तो हर साल या हर कुछ सालों में के पोजीशन भी चेंज होती है। तो जो हमारे एक्चुअल LAC है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स पे तो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट है LAC से काफ़ी पहले। अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है वो पेट्रोलिंग पॉइंट 10-13 जो दिपसन सेक्टर में है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो गलवान में है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो हॉट स्प्रिंग में है, एंड पेट्रोलिंग पॉइंट 17 एंड 17A जो गोगरा में, इन पॉइंट्स पर भी डिस्प्यूट चल रहा है। अभी जो आपने न्यूज़ पढ़ी हुई कि इंडिया और चाइना के बीच में डी एस्केलेशन हुआ है कि दोनों की फोर्सेस पीछे जाएगी, तो अभी ये एग्रीमेंट हुआ है कि जहाँ पे एट प्रेजेंट आर्मी बेसिकली एक सामने रहती है, मैंने बताया कि जो भी बॉर्डर की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडियन ITBP की है, बट अभी जो सिचुएशन हो गई थी तो दोनों साइड से काफ़ी बोले तो संख्या में आर्मी आमने सामने आ गई थी। तो फिलहाल ये कहा गया है कि आर्मी 2-2 किलोमीटर जहाँ पे अभी एट प्रेजेंट आर्मी है वहाँ से पीछे चले जाएगी, और उसके बाद बाकी की टॉक होगी, बाकी की बातचीत होगी आर्मी लेवल पे या हाई लेवल पे डिसाइड करने के लिए कि जो अप्रैल के पहले की सिचुएशन है वो सिचुएशन पे हम आ जाए, और आगे हम कितनी जल्दी है जो इंडो चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जा सके। तो दो तीन बातें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं समझने की। एक तो ये कि ऐसी कोई बॉर्डर अभी मार्क्ड है ही नहीं, दोनों कंट्रीज़ की तरफ से इस पर डिस्प्यूट्स हैं कि हमारी ज़मीन कहाँ तक है, और उनका भी ये कहना है कि हमारी ज़मीन कहाँ तक है। तो ये कह देना कि भाई दोनों आर्मीज 2-2 किलोमीटर पीछे आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने 2 किलोमीटर ज़मीन उन्हें दे दी, इट्स जस्ट दैट आर्मी पीछे आई है, बॉर्डर का डिसीजन तो अभी हुआ ही नहीं। हाँ, अभी ये कि जो आर्मी दोनों सामने आ गई है, दोनों तरफ बिल्कुल आर्मी आमने सामने है, किसी भी समय अगर कुछ भी जगह जरा सी भी अगर लोकल कमांडर लेवल पे भी कुछ गलती हो जाती है, तो जैसे कि 15 जून को कुछ भी वैसे इंसिडेंट हुआ, वैसे इंसिडेंट वापस होता है, तो एटलीस्ट आर्मी 2 किलोमीटर अभी अपनी पोजिशन से पहले चला जाए,
हम फिर बैठ के बात करेंगे कि आगे अब कैसे हमें मार्किंग करना है। तो कई जगह हमें पढ़ा हुआ कि इंडिया ने हमें 2 किलोमीटर की जमीन छोड़ दी, वो छोड़ी नहीं है। एट प्रेजेंट सिचुएशन को डीएस्केलेट करने के लिए हमारी आर्मी के पीछे हटी है, हमने क्लेम नहीं छोड़ा है कि वो हमारी जमीन है। ये बात ही समझना बहुत ज्यादा जरूरी थी और इसीलिए ये वाला टॉपिक हमने आज लिया कि ये कोई बॉर्डर डिफाइंड नहीं है, हमने हमारी फेंस उठा के 2 किलोमीटर पीछे नहीं कर लिए और चाइना को वो 2 किलोमीटर जमीन नहीं दी है, ऐसा नहीं हुआ है, बॉर्डर्स डिसाइडेड ही नहीं। तो इसलिए ये वाला टॉपिक मैं लेना चाह रहा था इस बार। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो अभिषेक, जो हर बार आपके पास वैक्सीन का ट्रैकर रहता है, उसमें से जल्दी से बताइए 100-200 वैक्सीन चालू हुई है नहीं अभी तक? चलिए बताता हूँ मैं आपको। लास्ट वीक जो हमने बात की थी, लगभग वही सिचुएशन है। टोटल 155 कैंडिडेट्स है वैक्सीन के लिए, 135 प्री क्लिनिकल में, 14 फेज वन में, 11 फेज टू में, 4 फेज थ्री में, और एक वन वैक्सीन जो लास्ट टाइम एक लिमिटेड यूज़ के लिए आर्मी के यूज़ के लिए अप्रूव हुई थी वही है। अभी तक कोई भी वैक्सीन अप्रूव नहीं हुई है, तो यही अपडेट है वैक्सीन पर। ठीक है, तो ये तो रही वैक्सीन की बात। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमको कितने हमारे केसेस हैं, कहाँ कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, कहाँ का क्या रेट चल रहा है, वो सब समझना जरूरी है। तो उसके लिए मैं कुछ चार्ट्स शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला ये चार्ट है पॉजिटिव पर 100 टेस्टेड स्टेट्स में। किस स्टेट में अगर 100 लोग टेस्ट हों तो उनमें से कितने पॉजिटिव आते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे 13 लाख लोगों को टेस्ट किया गया है और सिचुएशन ये है कि हर 100 में से 18.3 लोग पॉजिटिव निकलते हैं। ये जो लाइन आपको दिख रही है 7.3 जहां लिखा हुआ है, ये लाइन है इंडिया एवरेज, यानी पूरे इंडिया में अगर 100 लोग टेस्ट होते हैं, 100 टेस्ट होते हैं तो 7.3 उसमें से पॉजिटिव आते हैं। महाराष्ट्र में ये रेट है 18.3, तमिलनाडु में है 8.7, दिल्ली में है 14.6, एग्जैक्टली डबल ऑफ द नेशनल एवरेज। गुजरात में है 8.9, उत्तर प्रदेश में है 3.4, कर्नाटका में है 4.2, तेलंगाना में 20.5। इसमें एक और बात ये भी है कि टेस्टिंग के नंबर्स यहाँ पर बाहर आ नहीं रहे हैं, किसी को पता नहीं ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं या ये कब के अपडेटेड हैं। बंगाल में है 4.6, आंध्र प्रदेश में है 2.3 और राजस्थान में है 2.3। तो कुछ स्टेट्स यहाँ पर जो बहुत अच्छा कर रही हैं, वो ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा की है और जिनके नंबर भी बहुत कम है। अब बात करते हैं अगर 100 लोग पॉजिटिव आए तो उनमें से कितने लोगों की डेथ हो जाती है। तो जो ऑरेंज वाला ग्राफ है ये वही ग्राफ है जो हमने पहले देखा, ये है पॉजिटिव पर 100 टेस्टेड, यानी 100 लोगों की टेस्टिंग हो तो कितने पॉजिटिव आते हैं, ये वही ग्राफ है जो हम देख चुके हैं। लेकिन जो ब्लू ग्राफ है वो ये बताता है कि 100 लोगों को कोरोना वायरस है तो उनमें से डेथ कितने लोगों की होती है। इसका नेशनल एवरेज है 2.7, यानी इंडिया लेवल पर अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस है तो 2.7 की जान जा सकती है, और महाराष्ट्र में वो है 4.15, तमिलनाडु में है 1.4, दिल्ली में है 3.02, गुजरात में है 5.04, उत्तर प्रदेश में 2.64, कर्नाटका में 1.63, तेलंगाना में 1.07। यहाँ पर डेथ के नंबर्स एक्चुअली बाहर नहीं आ रहे हैं, ऐसी खबर है। फिर है बंगाल में 3.25, आंध्र प्रदेश में 1.15 और राजस्थान में यह है 2.14। तो ये नंबर्स हैं जो इंडिया एवरेज से ऊपर हैं। ऑब्वियस सी बात है उन स्टेट्स में और ज़्यादा काम होना बाकी है, जो इंडिया एवरेज से नीचे हैं वो स्टेट्स अच्छा कर रही हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो इस बार के लिए सिर्फ इतना ही, हमने बात की चाइना इंडिया बॉर्डर की, हमने थोड़ी सी अपडेट ली कोरोना वायरस की। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।